पास? आओ, आओ मेरे पास। अभी तो यही खेल रही थी। आप तो घर का ना बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखते। सोना बेटा सोना। अजी सुनते हो? जल्दी आइए, जरा जल्दी आइए। क्या हुआ? माँ को झूला तो झुलाएगी ही ना। माँ के आशीर्वाद से ही तो इसकी आंखें खुली हैं। भिक्षाम देही। बेटा सोना, साधु महाराज को भिक्षा दे दो। देती हूँ बापू। सदा सुखी रहो बेटी। गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है बेटी। गुरुदेव आप मेरा हाल लेकर अपनी माला मुझे दे दीजिए। बेटी ये तो तुलसी की माला है, तेरा तो सोने का हार है। पर मुझे तो तुलसी की माला ही चाहिए गुरुदेव। इतनी छोटी सी उम्र में ही इतना वैराग्य। ले बेटा सुखी रह। जय माता की बेटा। कैसे हो चाचा? बस मजे में बेटा। माँ मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा। अपनी सोना बड़ी हो गई है पर बचपना नहीं गया। आपको तो ये बड़ी होती दिख रही है पर इन्हें तो बिल्कुल दिखता नहीं। जाकर चार आदमियों से शादी की बात करनी चाहिए लेकिन इन्हें तो कुछ करना ही नहीं है। हम लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें लेकिन जिसकी शादी जहाँ लिखी होगी वही होगी। आप इसी तरह बैठे रहो, आपसे तो कुछ भी नहीं होने वाला। बेटी की शादी करने में पैरों की चप्पल तक घिस जाती है। मेरे गांव में एक अच्छा लड़का है और उसका घर भी अच्छा है। आप कहें तो अपनी सोना की बात करूं। हाँ हाँ कीजिए ना भैया। देखते रह गए। मामा देखो तो, तुम्हारे पैर छूने से पहले ये भिखारियों के पैर छू रही है। अखंड सौभाग्यवती भव। सुनो बेटा सोना, आज से तुम्हारा पति ही तुम्हारा परमेश्वर है। तुम्हारे सास ससुर ही तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी ननद तुम्हारी बहन के समान है। ससुराल में जाकर सबकी लाडली बनकर रहना। दुख के दिन आए तो भी हिम्मत मत हारना। अपने माँ बाप की इज्जत की लाज रखना बेटा। सोना। गुरुदेव। बेटा विदा होने का समय आ गया। हाँ गुरुदेव। बेटी को इस पृथ्वी पर 3 बार जन्म लेना पड़ता है। पहली बार माँ की कोख से जन्म लेती है और बेटी बनकर माँ बाप का आंगन पवित्र करके जाती है। दूसरी बार जब शादी करके ससुराल जाती है, वहाँ किसी की भाभी किसी की पुत्रवधू बनकर उसका आंगन खुशियों से भर देती है। और तीसरी बार जब वो बेटी माँ बनती है, तब भले ही उसकी कोख से पुत्र या पुत्री जन्मे लेकिन उस स्त्री का माता की तरह जन्म होता है। गुरुदेव मैं अपने इन 3 जन्मों को सार्थक करके बताऊंगी गुरुदेव। परंतु तुम्हारा मन तो माँ दुर्गा में है। जाओ माता दुर्गा की मूर्ति साथ ले जाओ, अपने ससुराल में उनकी स्थापना करो और जब तुम माँ दुर्गा को याद करोगी तब माँ दुर्गा तुम्हारी सहायता करने के लिए अवश्य उपस्थित होंगी। गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। सुखी रहो बेटी।